हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश की फेमस ट्रेजडी द ट्रेजडी ऑफ डाइडो क्वीन ऑफ कार्थेज की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश ने इस ट्रेजडी को वर्जिल के एनियड पर बेस किया था। मैंने एनियड पर एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग उसे देखिए ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। तो अब हम शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि देवताओं के राजा, जिनका नाम है जुपिटर, जो देवताओं के राजा है, ये जुपिटर जो हैं, ये गैनीमेड नाम की एक लड़की के साथ बातचीत में बिजी हैं और गैनीमेड इन्हें शिकायत कर रही होती है कि आपकी पत्नी जिसका नाम है जूनो, यानी कि जुपिटर की पत्नी जिसका नाम है जूनो, वो मेरे साथ मिसट्रीट कर रही है। तभी वहाँ सुंदरता की देवी वीनस आती हैं और वीनस आकर कहती हैं कि जुपिटर, आप अपनी जो गॉडली ड्यूटीज़ हैं उन्हें ढंग से नहीं निभा रहे हैं, आप मेरे बेटे एनियास को नेगलेक्ट कर रहे हैं। ट्रॉय की हार के बाद जुपिटर ने कहा था कि एनियास, जो कि वीनस और एक इंसान का बेटा है, वो इटली जाएगा और वहाँ नया देश बसाएगा। तो वीनस जुपिटर को कहती है कि आप उस तूफान को शांत करो जिस तूफान को जूनो ने भेजा है, क्योंकि जूनो और वीनस दोनों में आपस में क्लैश है। इसलिए जूनो वीनस को इटली, वीनस इटली ना पहुंचे, एनियास इटली ना पहुंचे, इसलिए उसने एक तूफान भेज रखा है। जुपिटर हर्मस नाम के एक देवता को भेजता है कि आप नेपच्यून के पास जाओ और उस तूफान को शांत करो। नेपच्यून यानी कि समुद्र देवता तूफान शांत करते हैं, जिससे एनियास, जो कि हमारे इस ट्रेजडी का हीरो है, वो कार्थेज पहुंच जाता है। इधर वीनस भी बेश बदल कर कार्थेज पहुंचती है। तूफान के कारण एनियास के जो साथी हैं वो सारे के सारे बिखर गए हैं, पर लार्बस नाम के एक राजा के कारण वो सारे के सारे डाइडो के दरबार में इकट्ठे हो जाते हैं। कार्थेज की रानी है डाइडो और इसका प्रेमी है लार्बस। वहां एनियास डाइडो के दरबार में ट्रॉय की हार के बारे में बताता है। इसी समय वीनस एनियास के बेटे, जिसका नाम है एस्केनियस, इसको किडनैप कर लेती है और उसे अपने दूसरे बेटे क्यूपिड के साथ में बदल देती है। क्यूपिड वेश बदल कर एस्केनियस के रूप में यहीं रहता है। इसके पीछे वीनस की ये योजना होती है कि क्यूपिड गॉड ऑफ लव है, वो अपने जादू से डाइडो को एनियास से प्यार करने में मजबूर कर दे और इस तरह एनियास कार्थेज में सुरक्षित रहेगा। क्यूपिड अपने जादू से ऐसा ही करता है और डाइडो अपनी बहन, जिसका नाम है एना को अपने प्यार के बारे में बताती है। अब यहां कहानी में लव ट्रायंगल आ जाता है। डाइडो प्यार करती है एनियास से, लार्बस प्यार करता है डाइडो से और एना प्यार करती है लार्बस से। जब लार्बस ये देखता है कि डाइडो अब उस पर ध्यान नहीं देती है, उधर जूनो को ये पता चलता है कि वीनस ने क्या प्लानिंग की है, उसने एस्केनियस को छुपा रखा है, तो वो सोचती है कि मैं उसे मार कर अपना बदला पूरा कर लूं। पर वीनस के समझाने पर जूनो एनियास की मदद के लिए तैयार हो जाती है। अब जूनो एक नया तूफान पैदा करती है, जिसके कारण डाइडो और एनियास
को टापू पर एक गुफा में शरण लेनी पड़ती है। यहाँ डाइडो एनियास को बताती है कि वो उससे प्यार करती है। एनियास भी अपने प्यार का इजहार करता है और वो कहता है कि अब तेरे प्यार की खातिर मैं आगे नहीं जाऊँगा। जब दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं तो लार्बस उन्हें देखकर ईर्ष्या ज्वेलसी से भर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि भगवान जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो जुपिटर के आगे एक सैक्रिफाइस करता है। जुपिटर लार्बस को तो इग्नोर करते हैं पर वो मरकरी देवता को एनियास के पास भेजते हैं, जिससे एनियास को ये रियलाइज होता है कि उसे डाइडो को छोड़कर अपनी डेस्टिनी को पूरा करना चाहिए। इसलिए वो अपने सारे साथियों को जहाज को तैयार करने के लिए कहता है। वो सोचता है कि मुझे डाइडो को ये बात बता देनी चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, पर फिर वो ये सोचता है कि वो तो औरतों के तरीकों का यूज कर रो धोकर मुझे यहाँ रोक लेगी। पर डाइडो को पता चल जाता है, वो ट्रोजन्स को रोकती है। एनियस दोबारा अपने प्यार का इजहार करता है पर डाइडो उस पर विश्वास नहीं करती है और वो जहाजों की पतवार को अपने साथ ले लेती है। वो तो एस्केनियस, जो कि एक्चुअली तो क्यूपिड है, उसको भी गांव में छुपा देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एनियस अपने बेटे के बिना नहीं जाएगा। गुस्से में आकर जुपिटर दोबारा देवता को भेजते हैं, जो कि दोबारा एनियास को उसकी ड्यूटी याद दिलाते हैं। अब देवता हर्मेस आते हैं और हर्मेस रियल एस्केनियस को भी साथ लेकर आते हैं। तो एनियास समझ जाता है कि क्यूपिड जो था वो मेरे बेटे का रोल प्ले कर रहा था और डाइडो का जो प्यार है वो सच्चा नहीं है। लार्बस को जब ये बात पता चलती है कि एनियास यहाँ से पीछा छुड़ाकर जाना चाहता है तो वो ट्रोजन्स की हेल्प करता है, जहाजों को ठीक करवा देता है, जिससे सारे जने यहाँ से चले जाते हैं। डाइडो एनियास से दोबारा सामना करते हैं पर वो कार्थे से निकल पड़ता है। इसके बाद में वो सब निकल पड़ते हैं जिससे डाइडो दुखी हो जाती है। फिर वो एनियास से बनी हुई चीजों की एक चिता बनाती है और उस चिता में कूद कर अपनी लाइफ एंड कर लेती है। यहाँ पर मार्लो ने पोइटिक लाइसेंस का यूज करते हुए ट्रिपल सुसाइड क्रिएट की है। डाइडो के प्यार में लार्बस भी चिता में कूदकर सुसाइड करता है और लार्बस के प्यार में एना भी चिता में कूद पड़ती है। इस तरह ये तीनों मर जाते हैं और यहीं पर हमारा प्ले एंड होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की हैं, अगर आप इस ऑनलाइन कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।